नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टोरी आज अभी चैनल में मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आज अभी का परिवार स्वस्थ होगा। कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन बटन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के थाना औरास के अंतर्गत आने वाले गाँव गाग बछौली का रहने वाला उमेश कनौजिया बहुत ही हसमुख और मिलन स्वभाव का था और इसी वजह से उसका सामाजिक और राजनीतिक दायरा काफी बढ़ा। उन्नाव ही नहीं, इससे जुड़े लखनऊ, बाराबंकी जिलों तक उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। वो अपने सभी परिचितों के ही सुख दुख में ही नहीं बल्कि पता चलने पर हर किसी के सुख दुख में पहुंचने की कोशिश करता था और उसकी इसी आदत ने उसे इतनी कम उम्र में क्षेत्र का नेता बना दिया था। मात्र 25 साल की उम्र में वो जिला पंचायत सदस्य बना तो उस उम्र का कोई दूसरा सदस्य पूरे जिले में नहीं, और नेता बनने कि यह उसकी पहली सीढ़ी थी और वो आगे भी बढ़ना चाहता था, इसलिए उसने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे तो उसने यह चुनाव भाजपा के समर्थन से जीता था, लेकिन उसके संबंध लगभग हर पार्टी के नेताओं से, और इसकी वजह यह थी कि उसकी कोई ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी कि लोग उसे नेता मान ले। उसके पिता सूबेदार कनौजिया दुबई में नौकरी करते थे और उमेश भी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते, लेकिन जब उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो वो छुटभैया नेता बनकर गाँव वालों की सेवा करने लगा। और उसी दौरान उसकी जान पहचान कुछ नेताओं से हुई तो वो भी नेता बनने के सपने देखने लगता है और उसका ये सपना उस समय पूरा होता है कि जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने पर भाजपा ने उसका समर्थन कर दिया। उमेश अपनी मेहनत और जनता की सेवा करके नेता बना था। वो राजनीति में लंबा करियर बनाना चाहता था, इसीलिए अपने क्षेत्र की जनता से ही नहीं बल्कि क्षेत्र के लगभग सभी पार्टी के नेताओं से उसका जुड़ाव था। उसका मानना ये था कभी भी किसी की जरूरत किसी को पड़ सकती है और ऐसे में उसके निजी संबंध ही काम आएंगे, इसका लाभ भी मिलता रहा था। बसपा के सांसद ब्रजेश पाठक उसे भाई की तरह मानते थे। उन्नाव के विकास खंड और आशा के वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद उमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था और अपनी कार्यशैली की वजह से ही वो बहुत कम समय में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। उत्तर प्रदेश का जिला उन्नाव लखनऊ और कानपुर जैसे दो बड़े शहरों को जोड़ने का काम करता है और ये लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर है तो कानपुर से मात्र 25 किलोमीटर दूर। एक तरफ प्रदेश की राजधानी है तो दूसरी तरफ कानपुर जैसा महानगर है। इसके बावजूद इसकी गिनती पिछड़े जिलों में होती है और शायद यही वजह है कि यहाँ नशा और अपराध अन्य शहरों की अपेक्षा ज्यादा है। जिला भले ही पिछड़ा है लेकिन कानपुर और लखनऊ की सीमा से जुड़ा होने की वजह से यहाँ की जमीन काफी महंगी है, इसलिए यहाँ के लोग अपनी जमीनें बेचकर अय्याशी करने लगे। इसके अलावा गाँव के विकास के लिए पंचायती राज कानून लागू होने की वजह से गांव में सरकारी योजनाओं का पैसा भी खूब आ रहा है, जिससे पंचायतों से जुड़े लोग प्रभावशाली बनने लगे हैं। यही सब देखकर युवा चुनाव की ओर आकर्षित होने लगे हैं। वे चुनाव जीतकर समाज और राजनीति में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं और उमेश कनौजिया भी कुछ ऐसा ही सोच नहीं रहा था, बल्कि इस राह पर तो उसने कदम भी बढ़ा दिए। लेकिन उसका ये सपना पूरा होता उसके साथ एक हादसा हो। 14 नवम्बर 2013 की सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना मलियाबाद के गांव गढ़ी मदों के लोगों ने गांव के बाहर शारदा सहायक नहर के किनारे एक लाश पड़ी हुई देखी। मृतक यही कोई 25-26 साल का था। वो धारीदार सफेद नीला स्वेटर, नीली जींस और हरे रंग की शर्ट पहना था। उसके दाएं हाथ में कलावा बंधा हुआ था जिसका मतलब था कि वो हिंदू था, और उसके गले पर रस्सी का निशान साफ नजर आ रहा था और इसे देख कर ये साफ लगता था कि उसकी हत्या की गई है। हालांकि उसके दाहिने हाथ से खून भी बह रहा था। लाश से ही थोड़ी दूर पर एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी जिसका नंबर UP32EY1778 था, जिसमें चाबी लगी हुई। पहली नजर में ये देखकर यही हर आदमी कह सकता था कि ये दुर्घटना का, लेकिन गले पर जो रस्सी का निशान था उससे अंदाजा साफ लग रहा था कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या का मामला है। और जिन लोगों ने उस लाश को देखा उन्हें लगा कि ये हत्या का ही मामला है, तो उन्होंने बात सूचना ग्राम प्रधान को दी और उस समय सुबह के यही कोई 7 बज रहे थे। ग्राम प्रधान के पति राजेश कुमार ने नहर के किनारे लाश पड़ी होने की सूचना थाना मलियाबाद पुलिस को दी तो SSI श्याम सिंह सिपाहियों के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। लाश और घटना स्थल का निरीक्षण उन्होंने किया। उन्होंने लाश की शिनाख्त करानी चाहिए तो वहां जमा लोगों में से कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। लाश के कपड़ों की तलाशी में भी ऐसा कोई सामान पुलिस को नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो पाती। मोटरसाइकिल के नंबर से अंदाजा लगाया गया कि मृतक लखनऊ का रहने वाला है क्योंकि उस पर पड़ा नंबर लखनऊ का ही, और संयोग से मोटर
मोटरसाइकिल की डिग्गी जब खोली गई तो उसमें से उसके कागजात मिल गए। मोटरसाइकिल उमेश कनौजिया के नाम पर रजिस्टर्ड, उस पर पता एकता नगर थाना ठाकुरगंज लखनऊ का पड़ा। इससे ये साफ हो गया कि मारा गया युवक लखनऊ का ही रहने वाला। और थाना मलियाबाद पुलिस ने घटना स्थल की कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। इसके बाद SSI श्याम सिंह ने घटना की सूचना देने के लिए दो सिपाहियों को एकता नगर भेज दिया। थाना मलियाबाद के सिपाहियों ने थाना ठाकुरगंज के एकता नगर पहुंचकर उमेश कनौजिया के बारे में पता किया तो वहां पर उसकी मौसी शशिकला मिली। पुलिस वालों ने जब उमेश की लाश मिलने की बात उन्हें बताई तो वो ये सुनते ही बेहोश। घर वाले पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में ले आए तो उन्होंने बताया कि उमेश हमारी बहन का बेटा है और वो उन्नाव का रहने वाला है। जब वो मेरे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था तभी उसने ये मोटरसाइकिल खरीदी, इसीलिए उसके कागजातों में मेरा पता लिखा हुआ। इसके बाद पुलिस वालों ने शशिकला से उमेश के घर वालों का फोन नंबर लेकर उमेश की मृत्यु की सूचना उसके घर वालों को दी। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद ही उमेश के घर वाले थाना मलियाबाद पहुंचे। उमेश के पिता सूबेदार कनौजिया ने उमेश की हत्या किए जाने की बात कहकर दो लड़कों के नाम भी बताए, लेकिन थाना मलियाबाद पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इस पर उमेश के घर वाले भड़क और धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि जिला पंचायत सदस्य उमेश कनौजिया की हत्या हो गई और थाना मलियाबाद पुलिस मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी कर रहा। मलियाबाद उन्नाव की सीमा से चूंकि जुड़ा हुआ है इसलिए खबर मिलने के बाद मृतक उमेश की जान पहचान वाले लोग थाना मलियाबाद पहुंचने लगे और 15 नवंबर की सुबह से ही हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर। अब तक घर वालों को 100 मिल चुका था। घर वालों ने बसपा सांसद ब्रजेश पाठक, भाजपा के पूर्व विधायक मस्तराम, किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह के नेतृत्व में रहीमाबाद चौराहे पर लाश रखकर रास्ता रोक। सांसद ब्रजेश पाठक का कहना था कि समाजवादी पार्टी के राज्य में पुलिस आम जनता की नहीं सुन रही है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जाम लगने से आने जाने वाले लोगों को ही नहीं रहीमाबाद कस्बे के लोग भी परेशान हो रहे। जाम लगाने वाले लोग उमेश कनौजिया के हत्यारों को गिरफ्तार करने, थाना मलियाबाद के इंस्पेक्टर JV सिंह को निलंबित करने तथा पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने, उमेश के छोटे भाई सुधीर को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे। जाम का नेतृत्व कर रहे नेताओं को ये लग रहा था कि उनके इस आंदोलन से राजनीतिक लाभ मिल सकता है, इसलिए वो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे और जाम लगाए लोगों को हटाने के लिए जब रहीमाबाद चौकी के प्रभारी अनंत राम सिपाही ज्ञान हरछेदी यादव, अशोक और होमगार्ड श्रीपाल यादव को साथ लेकर जब वहाँ पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने अनंत राम और उनके साथ आए सिपाहियों के साथ मारपीट शुरू कर और उन्हें भगा दिया। और जब इस बात की सूचना लखनऊ के SP ग्रामीण सौमित्र यादव, क्षेत्राधिकारी मलियाबाद श्यामकांत त्रिपाठी और इंस्पेक्टर मलियाबाद JP सिंह को मिली तो आसपास के 3 थानों की पुलिस रहीमाबाद भेज दी गई। काफी समझाने बुझाने और भरोसा दिलाने के बाद लगभग 4 घंटे बाद ये जाम खुल सका। तब रहीमाबाद के लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद उमेश के घर वाले उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को लेकर गांव चले गए। उस समय तो ये खतरा टल गया, लेकिन पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि अगले दिन भी राजनीतिक लोग इस घटना का लाभ उठाने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी बात पर विचार करके लखनऊ के SSP रविंद्र गौड़ ने मामले को जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए अपने मातहत अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू। इसके बाद थाना मलियाबाद के इंस्पेक्टर JP सिंह ने उमेश के घर वालों से मिलकर ये जानने की कोशिश की कि उनकी किसी से रंजिश तो नहीं है, लेकिन घर वालों ने किसी भी तरह की राजनीतिक या पारिवारिक रंजिश से इनकार कर दिया। उमेश के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो लूटपाट के लिए उसकी कोई हत्या करता या उसकी हत्या की जाती, वो पैसे का भी लेन देन नहीं करता। अब पुलिस के पास उमेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का एकमात्र सहारा उसका मोबाइल फोन था। पुलिस ने उमेश के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसके अध्ययन के बाद पुलिस को पता चला कि 13 नवंबर को एक ही नंबर पर उसने 32 बार फोन किया और पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वो नंबर जिला उन्नाव के थाना हसनगंज के गांव शाहपुर की रहने वाली आशा का निकला। आशा का विवाह थाना मलियाबाद के अंतर्गत आने वाले गांव सिंधरवा के रहने वाले राजू से हुआ था। राजू दुबई में लॉन्ड्री का काम करता था, आशा यहीं पर रहती, पति बाहर रहता था इसलिए वो ससुराल में कम, मायके शाहपुर में ज्यादा रहती। उमेश उसके यहाँ नियमित रूप से आता जाता था। जब भी आशा मायके में रहती उमेश से मिलने के लिए दूसरे तीसरे दिन आता रहता, मगर किसी वजह से वो नहीं आ पाता था तो उसे फोन जरूर कर। दरअसल आशा कनौजिया की माँ महेश्वरी
देवी ने भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। उमेश बिरादरी का नेता माना जाता था, इसलिए महेश्वरी देवी उमेश को अपने साथ रखने लगी। उसे लगता था कि उमेश उसके साथ रहेगा तो बिरादरी के वोट उसे मिल जाएंगे। चुनाव महेश्वरी देवी लड़ रही थी, लेकिन उनका पूरा कामकाज प्रति प्रकाश कनौजिया देखता, और यही वजह थी कि उमेश और प्रकाश में गहरी छनने लगी। प्रकाश कनौजिया को भी लगता था कि उमेश के साथ रहने से बिरादरी का सारा वोट उसे ही मिलेगा, और चुनाव के दौरान महेश्वरी देवी के यहाँ आने जाने में उमेश की नजर उसकी 24 वर्षीय विवाहित बेटी आशा पर, तो वो उसे भा गई। भरे पूरे बदन वाली आशा पर उमेश की नजरें गड़ गई। फिर तो जल्दी ही आशा भी उसी उमंग में हिलोरे लेने लगी, और यही वजह थी कि जल्दी ही दोनों के बीच में प्रेम संबंध पनक। उमेश चूंकि स्मार्ट और खुशदिल इंसान था, अपने इसी स्वभाव की बदौलत वो आशा को भा गया, और चुनाव के दौरान अक्सर दोनों का एक साथ आना जाना होता रहा। इसी बीच एकांत मिलने पर दोनों ने अपने इस प्रेम संबंध को शारीरिक संबंध में तब्दील कर दिया। समय के साथ उमेश और आशा के संबंध और प्रगाढ़ हुए, तो उमेश आशा को अपनी जागीर समझने लगा, जबकि आशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि आशा के संबंध कुछ अन्य लोगों से भी थे, और यही बात उमेश को पसंद नहीं। वो चाहता था कि आशा उसके अलावा किसी और से संबंध न रख, और इसके लिए उसने आशा को कई बार रोका भी, लेकिन वो नहीं माना। उसका कहना था कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है, वो उसे रोकने वाला कौन होता है। उमेश के पास आशा के पति राजू का दुबई का फोन नंबर था, कभी कभी राजू को उससे बात भी होती रहती थी। आशा ने उमेश का कहना नहीं माना तो उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली, और एक दिन जब उसके पास आशा के पति राजू का फोन आया तो उमेश ने उससे बता दिया कि यहाँ आशा के कई लोगों से प्रेम संबंध। इसके बाद राजू और आशा में जमकर तकरार। उमेश की ये हरकत आशा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसका इस तरह जिंदगी में दखल देना उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने उमेश को फोन करके कहा, तुमने हमारे बारे में जो झूठ बोलकर राजू से मेरी लड़ाई कराई है, यह मुझे अच्छी नहीं लगी। अब तुम उससे ना तो मिलने की कोशिश करना और ना ही मुझे फोन। आशा, तुम मेरी बात पर बेकार ही बुरा मान रही हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और से ना मिलो। उमेश ने अपनी सफाई में ये बात बोली, लेकिन राजू से शिकायत करके तुमने मुझे उसकी नजरों में गिरा दिया है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, शक तो वो पहले से ही करता था, अब उसे विश्वास हो गया कि मैं सचमुच में गलत। आशा ने झल्ला कर गुस्से में कहा, इसलिए चलो मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। आशा, उमेश ने आशा को समझाने की कोशिश, तुम्हारी ये पहली गलती नहीं है, इसके पहले भी तुम मेरे साथ मारपीट कर चुके हो, मैंने उसका भी बुरा नहीं माना था, लेकिन ये जो किया अच्छा नहीं, ये गलती माफ करने लायक भी नहीं है, मैं तुम जैसे आदमी से अब संबंध नहीं रखना चाहती। आशा ने स्पष्ट रूप से उससे कहा, आशा 13 नवंबर को मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। उमेश ने ये बात आशा से, उसने कहा तब बैठकर आराम से बातें कर लेंगे। उमेश ने कहा, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती, इसलिए तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आशा ने उसे आने से रोका, आशा इतना भी नाराज मत हो, बस एक बार मेरी बात, उसके बाद सब साफ हो जाए, बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम बना रही, और तुम्हारे लिए भले की ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन ये बात बड़ी है, मैं अभी तक तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज करती आई, ये उसी का नतीजा है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। यह कहकर आशा ने फोन काट। 13 नवंबर को उमेश आशा से मिलने उसके घर जाने वाला था। 14 नवंबर को बाराबंकी में उसके दोस्त पंकज के यहाँ शादी थी। उमेश ने योजना बनाई थी कि वो आशा से मिलते हुए दोस्त के यहाँ शादी में चला जाए। 13 नवंबर की शाम को यही कोई 7 बजे उमेश ने अपने घर फोन करके बताया भी था कि वो मलियाबाद में अपने दोस्त से मिलकर बाराबंकी चला जाएगा। इसके बाद उमेश ने घर वालों से संपर्क नहीं। रात में उसके छोटे भाई सुधीर ने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद मिला। 13 नवंबर को उमेश ने दिन में 32 बार फोन करके आशा को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन आशा को अब उमेश से नफरत हो चुकी। उमेश ने उसके साथ जो किया था अब वो उससे का बदला लेना चाहती। आशा के संबंध गांव के ही रहने वाले राम नरेश, शकील और हरौनी के रहने वाले छोटे उर्फ पुत्तन से। आशा ने इन्ही लोगों की मदद से उमेश से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। शाम को जब उमेश आशा से मिलने उसके घर पहुंचा तो आशा ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे उससे उसे कोई भी शिकायत नहीं है। उसने उसे खाना खिलाया और सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिया। सोने से पहले उमेश ने शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई तो थोड़ी नानुकुर के बाद आशा ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर। आशा की यही अदा उमेश को अच्छी लगी। आशा के इस व्यवहार से उमेश को लगा कि वो मान और उसे बाहों में लिए ही निश्चिंत होकर वो सो गया। उमेश के सो जाने के बाद
बाद आशा उठी और उसने कपड़े ठीक करके घर के बाहर निकल आई। उसने गांव का माहौल देखा, गांव में सन्नाटा पसर गया। उसने राम, नरेश, शकील और छोटे को पहले से ही तैयार कर रखा। उनके पास जाकर उसने कहा, चलो उठो, वो सो चुका है। गांव में भी सन्नाटा पसर गया है, जल्दी से उसे खत्म करके लाश निकालने लगा। राम, नरेश और आशा ने उमेश के पैर पकड़े तो छोटे ने हाथ पकड़ लिया। उसके बाद शकील ने गला दबाकर उसे खत्म। छोटे महदिया गांव का ही रहने वाला था, इसलिए उसे गांव एक एक गली का पता था। और सभी ने मिलकर उसकी लाश को टेम्पो में डाला और ले जाकर गांव से काफी दूर नहर के किनारे फेंक दिया। शकील और छोटे टेम्पो के पीछे पीछे उमेश की मोटरसाइकिल लेकर गए, उसे भी वहीं पर फेंक दिया। लाश ले जाने से पहले आशा ने उमेश की पैंट की जेब से मोबाइल और पर्स निकाल लिया, जिससे उसकी पहचान न हो। शकील और छोटे ने उमेश की लाश को नहर के किनारे इस तरह से फेंका था कि देखने वालों को यही लगे कि रात में दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो गई। अपनी इस योजना में वे सफल भी हो गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पोल खुल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत गला दबाने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू की, तो हत्यारों तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगी। आशा से पुलिस ने पूछताछ करने के बाद राम, नरेश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे भी पूछताछ, उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस शकील और छोटे की तलाश कर रही थी, लेकिन दोनों पुलिस के हाथ नहीं लगे थे फरारी का। हालांकि पुलिस इस मामले में आशा के माँ बाप की भूमिका को भी जांच पर रख रही है। आशा ने जो किया उससे उमेश का ही नहीं, उसका खुद का भी परिवार छिन्न भिन्न हो गया। जिस पति से वो अपने जिन संबंधों को छुपाना चाहती थी, उमेश की हत्या के बाद पति को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि अब उसका क्या होगा। ये तो अदालत के फैसले के बाद ही पता चलेगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के संबंध में अपनी राय कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टोरी को शेयर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।